नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की अगर अपडेट की बात की जाए तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। जिस तरीके से मालवा की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है, लगातार वह जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रथ को लेकर मालवा में चल रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बता रहा है। जिस तरीके से हरी झंडी राजनाथ सिंह ने नीमच से दिखाई थी, उसके बाद इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट की बात की जाए तो जावद में जब ये यात्रा पहुंची, जावद विधानसभा, इस दौरान संबोधित करते रथ से उन्होंने कांग्रेस की तुलना रावण की बहन शुक्रनखा से की है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से रावण की बहन शुक्रनखा की नाक कटी थी, उस तरीके से उन्होंने कहा कांग्रेस की नाक कट रही है, रूप बदल कर जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता भगवान है और भगवान के रूप में अगर ये बेवकूफ बनाएंगे तो शुक्रनखा की तरह कांग्रेस की भी नाक कटेगी, इस तरह का बयान उनका सामने आया। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ईद रोजा इफ्तार करती थी, लेकिन अब जिस तरीके से राम और हनुमान की पूजा भी कर रहे हैं, इस तरह का भी बयान उन्होंने दिया। हम आपको बयान सुनाते हैं किस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान के बाद मध्यप्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान विवादित बयान दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बयान सुनाते हैं किस तरीके से क्या कहा उन्होंने। ये अभी नवंबर में चुनाव है, कांग्रेस के लोग हैं, ये नाटक कर रहे हैं। पहले तो कभी इनके दो ही त्योहार होते थे, सिर्फ एक ईद मनाते थे, एक रोजा इफ्तार करते थे, कोई त्योहार ही नहीं था इनका। आजकल हनुमान जी की आरती कर रहे हैं, राम जी की आरती कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे भेद बदल के जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। हम तो जनता को जनार्दन मानते हैं। जनता जनार्दन है, भगवान का स्वरूप है। भगवान के स्वरूप के सामने नौटंकी करोगे तो वही हाल होगा जो सुपर्णखा का हुआ था। सुपर्णखा गई थी, राम जी के स्वरूप को देख के मस्त हो गई, उसने सुंदर रूप बना लिया, वहां गई, क्या हुआ सब आपको मालूम है। पर आखिर में नाक कटी कि नहीं कटी? ऐसे रूप बदल के जाओगे जनता जनार्दन के सामने से नाक कट जाएगी तुम्हारी। जैसे हो वैसे रहो ना, मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सनातन धर्म इस देश के अंदर चाहिए या नहीं चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ।